बसमिल आज हम तस्करा करेंगे उमुल हज़रत ममूना रज़ील तहा का इनका पहला निका मसूद बिन अमर से हुआ लेकिन किसी वजह सेलहदगी इख्तियार करनी पड़ी उसके बाद अबूर बिन अब्दुलज़ा के निका में अबू अबूरहम ने सात हिजरी में वफ़ात पाई फिर जब आज़रत सल्ह सत हिजरी में उमरा की नीयत से मक्की की तरफ रवाना हुए तो इसी अहराम की हालत में हज़रत रज़ी ममूना रज़ील्ला से निकाह फरमाया हाँ, आपके चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला रजील्ला निकाह के मुतवल्ली बने ये अलैहि वसल्लम का आखिरी निकाह था और हज़रत रज़ी अल्लाह सब सबसे आखिरी बीवी थी हज़रत ममूना रजी अल्लाह तआला तह से छियालीस अहादीस मरवी हैं जिनसे बाज़ में इनकी फ़िका दानी का पता चलता है एक मरतबा हज़रत अब्दुल्लाबन अब्बास रजील्ला परा गंदा बाल हुए तो देखा और पूछा बेटा इसका क्या सबब है जवाब दिया उम अमार मेरा कंगा करती थीं और आज कल उनके अयाम का ज़माना है बोली क्या खूब आजरत सल्ला वसम तो हमारी गोद में सर रख कर लेटे होते थे और इसी हालत में कुरान पढ़ते थे और हम पे अयाम होते इसके साथ ही नहाय उम्दा अख्लाक की मालिक थी हज़रत ऐशा रज़ी अल्लाह तन के बारे में फ़रमाती हैं इन्ना कानत अत कानी व अवसलाना रहीम कि हज़रत ममूना अल्लाह त बहुत डरने वाली थीं और बहुत सिला रहमी करने वाली थीं अकाम नबी की तामील हर वक़्त पेश नज़र रहती थी एक दफ़ा इनकी बांदी हज़रत इबन अब्बास रजी अल्लाह के घर गई तो देखा कि मियाँ बीवी के बिछौने दूर, दूर दूर बिछे हैं ख़याल हुआ शायद कुछ रंजश हो गई है लेकिन दरियाफ़्त करने से मालूम हुआ कि हज़रतबिन रजी अन्हुमा बीवी के अयाम के ज़माने में अपना बिस्तर उनसे अलग कर लेते हैं बांदी ने आकर हज़रत ममूना अन्हा से बयान किया तो बोलें उनसे जाकर कहो कि सल्लल्लाहु अलैहि व् के तरीके से इस क़दर एराज़ क्यों आप तो हम लोगों के बिछौनों पर इस हाल में आराम फरमा लेते थे एक औरत बीमार पड़ गई उसने मन्नत मानी कि सेहत होने पर मकदिस में जाकर नमाज़ पढ़ेगी अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि वह अच्छी सेहतमंद हो गई और मकदिस के सफ़र की तैयारियां शुरू की जब रुखसत होने से पहले हजरत मैमूना रजी तालाना के पास आई, तो हज़रत मैमूना ने फरमाया तुम यहीं रहो और मस्जिद नब्बी में ही नमाज पढ़ लो क्योंकि यहाँ नमाज़ पढ़ने का स्वबाब दूसरी मस्जिदों के स्वब से हज़ार गुना ज़्यादा है हज़रत ममूना रजी अल्लाह तह गुलामों को आज़ाद करने का शौक रखती थी कई दफ़ा गुलाम और बांदियाँ आज़ाद किए हैं हज़रत ममोना रजी अल्लाह तभी कभी कभी कर्ज़ ले लेती थी एक बार ज़्यादा रकम कर्ज़ ली तो किसी ने कहा आप इसको कैसे अदा करेंगी फरमाया हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स कर्ज़ अदा करने की नीयत रखता है अल्लाह ख़ुद उसका कर्ज अदा कर देता है इनकी वफात भी एक अजीब इतफाक़ है कि जिस मुकाम पे इनका निकाह हुआ उसी मुकाम पे इनकी वफात हुई मक्का और मदीना के दरमियान एक जगह जिसका नाम शरफ़ है इसी जगह निकाह हुआ था इसी जगह बाद में रुखती हुई और इसी मुकाम में इन्होंने इंतक़ाल भी किया कियारत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तुनों ने नमाज जनाजा पढ़ाई और कबर में उतारा सिहा में है कि जब इनका जनाज़ा उठाया गया तो हज़रत अब्बुल्ल इबन अब्बास रजी अल्लाह तुन ने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हैं जनाजा को ज़्यादा हरकत ना दो बा अदब आहिस्ता आहिस्ता ले चलो इन्होंने इकामन हिजरी में वफ़ात पाई